जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आज मार्केट ने क्या किया? ऐसा टाइम पास किया जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नीचे नहीं गया। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ। देखिए, निफ्टी ने क्या किया, सुबह एक लो बना के 18,065 का हाई बनाया, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वापस ये जो इन दोनों का लगभग ये हो गया 900, 18,060 माइनस 17,890, 160, 80 ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो कुछ नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही जबरदस्त चाल खेला कि सुबह एक बार नीचे गया, हैमर पैटर्न बनाया और लगभग अपने दिन के हाई के नज़दीक बंद किया। आज क्या क्यों ऐसा हुआ वो पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आगे क्या होने वाला है। देखिए, ये ऑप्शन चेन दिख रही है आपको। यहाँ क्या है, 18,000 पे जबरदस्त कॉल राइटर ने कंट्रोल कर रखा है। बार बार निफ्टी फ्यूचर आपने देखा होगा 18,000 आ रहा था, फिर से नीचे जा रहा था, लेकिन 17,900 को बीयर्स ने भी कंट्रोल कर रखा है। वहाँ पे बीयर्स भी हावी है, तो सॉरी बुल्स भी हावी है, बुल्स ने भी कंट्रोल, तो 900 टूटने नहीं दे रहा था फ्यूचर में, और 18,000 के ऊपर जा नहीं रहा था। यानी कि आज जिसके पास भी कॉल पुट होंगे इस वीक के, वो बाबा जी का घंटा बजा रहा होगा। ठीक है, अब यही सिचुएशन नेक्स्ट वीक में क्या है, नेक्स्ट वीक में भी यही सिचुएशन है। 18,000 पे कॉल राइट ज़्यादा है, और वही बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पुट राइटर ने 42,000 के पुट को पूरा मोर्चा संभाल लिया, तो 42,000 के नीचे जाने देने वाला नहीं है कल। और यहाँ 42,500 के ऊपर अगर निकला तो 43,000 कल ही दिखाने की ताकत रखता है। तो अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या है कि देखिए, लास्ट वीक का लो मार्केट 3-4 बार उसके आसपास आया, ये पिछले वीक का लो है जो कि है 17,795। आज मार्केट ने एक लो बनाया 17,824, चाहता तो 795 तोड़ सकता था, लेकिन हायर लो बनाया। तो यहाँ स्टोरी क्या हो रही है आप देखो, बहुत ध्यान से देखना। ये लो था 17,774, ये तारीख थी 26 दिसंबर की, 17,774, ये यानी कि 17,774 ये लो था 26 दिसंबर का। उसके बाद एक हायर लो बनाया मार्केट ने, डबल बॉटम टाइप पैटर्न, ये हायर लो बना 17,795, ये बना आपके 6 तारीख को, यानी कि आप बोल सकते हो फ्राइडे के दिन। ठीक है, पिछले फ्राइडे को। और अभी एक और हायर लो बनाया आज मार्केट ने 17,824, तो ये एक तरह से ट्रिपल बॉटम का कॉन्सेप्ट बन रहा है। यहाँ देखिए, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, और ये चौथा बॉटम आज का। देखिए टेक्निकली, क्योंकि हम फ्राइडे को लो बनाए थे है ना, उसको टेक्निकली नियम से हमारा जो एक कानून है कि ये लो टूट जाए तो शांति हो जाए, फिर आप हाई बना सकते हो, तो यहाँ शांति नहीं होने दे रहा है। दूसरा, कल निफ्टी ने एक बियरिश एंगल्फिंग बनाया, लेकिन आज फॉलो अप बियरिश कैंडल नहीं बना पाया, बल्कि हैमर टाइप की कैंडल बनाया। तो सरप्राइज कर सकता है कल निफ्टी एक गैप अप खोल के, क्योंकि ये जितने भी पुट राइटर है, कॉल राइटर है जो 18,000 पे, इनको अगर इनको दौड़ाना है, कुत्ते की तरह दौड़ा के मारना है,
तो मार्केट को कल 100 से 150 पॉइंट गैप अप खोलना पड़ेगा, तभी मार्केट इनको दौड़ा सकता है, क्योंकि गैप अप खुला तो इनको इनकी चड्डी खुलने लगेगी और ये भाग भाग के उसको अपने शॉर्ट को कवर करेंगे। एक ही चांस है कल कि गैप अप खोले, अदरवाइज 99% क्या चांस है कि कल पहले 17,795 जो पिछले वीक का लो था उसको मार्केट पहले तोड़ेगा और उसके बाद दो ही दिन में आपको 400 पॉइंट की तेजी दिखाएगा। कल दो संभावना है, पहली कि 17,795 जो आज तोड़ा नहीं 824 का लो बना के, उसको या तो सुबह तोड़ दिया और 40-50 पॉइंट नीचे का लो बना दिया तो वहाँ से मार्केट ज़बरदस्त खींचेगा ये मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। बस ये जो लाइन मैंने बनाई है ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है, देखिए ये लाइन 17,770 के नीचे, इसको नोट कर लीजिए 17,770, इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट तो मार्केट बहुत ही बुरा गिरेगा बाद में, लेकिन 99.99% इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, इंट्राडे में इसके नीचे का लो बनाना चाहिए अगर फर्स्ट आप गैप अप नहीं होता है तो, और उसके बाद सिर्फ फ्राइडे तक मैं बोल रहा हूँ मार्केट वापस से आपको मैं दिखाऊंगा कि 18,200 के करीब आ गए, दो ही दिन बचे हैं ना। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हाईली ओवरसोल्ड मार्केट है स्पेशली निफ्टी में, प्लस कल सीपीआई का डाटा है अमेरिका में जो कि मुझे बहुत अच्छा आते हुए उम्मीद हो रही है, तो परसों एक बहुत ही रॉकिंग तेजी वाला दिन होना चाहिए अगर कल लो ब्रीच कर देता है तो फ्राइडे का। कल दो ही संभावना, या तो 100 से 150 पॉइंट का गैप अप खुले जिसकी चांस थोड़ी कम लग रही है लेकिन पॉसिबल है, और अदरवाइज ये जो 17,795 का पिछले वीक का लो है उसको ब्रीच करके 40-50 पॉइंट का नया लो बना के यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़े ताकि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप और इंट्राडे में ही वापस से 18,000 के ऊपर क्लोज कर। कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त है। बैंक निफ्टी पूरा विपरीत है, बैंक निफ्टी में एक बुलिश हैमर बनाया है उसके कारण से मुझे एक चांस लगती है कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी ने एक क्लियर कट एक बुलिश हैमर बनाया है, तो यहाँ चांसेस बहुत ही ब्राइट, और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन गया, ये देखिए डबल बॉटम भी बैंक निफ्टी ने बनाया और हायर लो बना के, ये बॉटम था ये हायर लो बनाया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, अब ऐसा बनना चाहिए जो 44,000 के ऊपर ले जा रहा है बैंक निफ्टी। ये भी ख़राब कब हो जाएगा, 41,500 के नीचे क्लोज आई इसका राम राम सत्य हो जाएगा, फिर ये 39,800 का टारगेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन से भी पता चल रहा है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, मैं ड्रॉ करके देखता हूँ, ओह ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, इसका क्या सपोर्ट है 41,500, ये 41,500 जो आखिरी सपोर्ट है ये टूटा है तो मार्केट को 39,800 आई ही जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिएगा, हैमर बना है कल कुछ कमाल करना चाहिए इसको, और अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है। चलिए थोड़ा सा हेकेनासी की कैंडल्स भी देख लेते हैं, कुछ चेंजेस आया क्या हेकेनासी में, अभी भी डाउन ट्रेड इंटैक्ट है इसमें, निफ्टी में देखते हैं,
इंटैक्ट है। बस एक ही प्लस पॉइंट है, ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है जिसको इंट्रा डे में तोड़ना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस टूट गया तो जय श्री राम हो जाएगा मार्केट। तो मुझे लगता है इंट्रा डे में कहीं इस 200 EMA की वैल्यू देख लेते हैं। पाँच सौ तीस नहीं, ये तो है ना ऐसी है, कैंडल स्टिक में देखना पड़ेगा। 517 तो कल एक बहुत वाइटल डे है भाई। फिर भी मैं वापस से फ्राइडे तक बड़ी तेजी ही देख रहा हूँ, और जो बड़ी तेजी बहुत दिन से आपको 200-300 पॉइंट वाले दिन नहीं दिखा जैसे मंडे को दिखा था इस बार, वैसा वाला दिन फ्राइडे है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।